ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूं ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए, आसमान से तो नहीं गिरे भाई? कोई तो कोई जिम्मेवार है जिस जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं, वो या यहां से कर रहे होंगे या पंजाब बॉर्डर से कर रहे होंगे, राजस्थान बॉर्डर से कर रहे होंगे, गुजरात बॉर्डर से कर रहे होंगे, कर तो रहे हैं। अब मर कौन रहा है? आप देखिए, हमारे कर्नल, मेजर, सिपाही शहीद हो रहे हैं। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, नेशन को, उन्हें बोलना चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए। आज तो और दूसरा खतरा भी बढ़ गया है, आज बांग्लादेश का बॉर्डर भी आपके पास है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है अब, जो पोरस है। मुझे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, उनका अपना मकसद है, क्योंकि वो थीम को नहीं समझे, वो लोग घबरा गए। आज मछेल की यात्रा थी, वो कैंसिल हो गई। मुझे हैरानी है कि कंट्रोवर्सियल स्टेटमेंट किसने किया है, क्या है कंट्रोवर्सियल इसमें? आपने कहा कि सब मिले हुए हैं, थोड़ा सा उसके मिले हुए क्या है? आपने वजाहत हबीबुल्ला का स्टेटमेंट सुना है कई साल पहले? उसको दोहराना मैं नहीं चाहता, इन लोगों को दोहराना, उनको देखना चाहिए वो स्टेटमेंट वजाहत हबीबुल्ला का, उसने किताब में भी लिखा है। सवाल इस बात का है, ये जो दवाइयां आती हैं कहां से आ रही हैं? ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूं ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे, कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे? अब भी कैसे ड्रोन से गिराए गए, आए कैसे भाई? कोई तो कोई जिम्मेवार है जिस जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं, वो या यहां से कर रहे होंगे या पंजाब बॉर्डर से कर रहे होंगे, राजस्थान बॉर्डर से कर रहे होंगे, गुजरात बॉर्डर से कर रहे होंगे, कर तो रहे हैं, तो जिम्मेवारी किसकी है? अब मर कौन रहा है? आप देखिए, हमारे कर्नल, मेजर, सिपाही शहीद हो रहे हैं, हैं? हमारे लोकल शहीद हो रहे हैं, आखिरकार वतन के लोग ये पूछना चाहते हैं, हो कैसे रहा है? बटालियंस के बटालियंस लगाई हुई हैं, क्या है? और कल अगर यहां लोगों की सरकार भी बनेगी, लोगों की सरकार इसकी जिम्मेवार नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर हमारे सामने हमारे पास नहीं है, टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, नेशन को, उन्हें बोलना चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए, कैसे हो रहा है? और आज तो और दूसरा खतरा भी बढ़ गया है, आज बांग्लादेश का बॉर्डर भी आपके पास है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है अब, जो पोरस है, अल्लाह जाने वहां से क्या आएगा। एक शहरी को हक है पूछने का, मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं करता हूं, मगर पूछना जरूरी है। बहुत लोग पूछ नहीं सकते, मैं पूछ सकता हूं, मैं सियासत का वजीर आला रहा हूं, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, हिंदुस्तान का वजीर रहा हूं, मुझे हक है पूछने का। हो रहा है, और ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, उनका अपना मकसद है, क्योंकि वो थीम को नहीं समझे। सर, आपको क्या लगता है कौन इसका जिम्मेवार है? और ये इन्वेस्टिगेशन से हो सकता है, इसमें तहकीकात करनी चाहिए, मरकज को एक कमीशन बिठाना चाहिए जो फौरन देखे कहां कमी है हमारी, कहां कमजोरी है हमारी, उसको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि दवाइयां जो आ रही हैं वो हमारे माशरे को खत्म कर रही है, हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म कर रही है। पंजाब में भी यही था, आज भी है। मुल्क के किस किस हिस्से में आग लगेगी इससे किसको पता है, कहां से आ रहा है? सर, लगातार हमारे जवान जो हैं शहीद हो रहे हैं, और हमारे जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मिलिटेंसी फ्री थे, दोबारा से एक मिलिटेंसी जो है वहां पर रिवाइव हुई है, इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? और क्यों? मैंने आपसे कहा ना, इसमें कमीशन बैठाइए, वो बताएगा आपको कौन जिम्मेवार है। मैं क्या जानता हूं, मैं तो हुकूमत में नहीं हूं,
कि मेरे पास वो सारी एजेंसी हो, मैं आपके सामने बताऊं। ये तो इनको देखना पड़ेगा। यूनिफाइड कमांड है यहां पे, जैसे सरबरा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको इस तरफ देखना चाहिए। वो जानते होंगे, उनके पास सारे इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, वो देखें इसकी तरफ। उन लोग घबरा गए हैं। आज मछेल की यात्रा थी, वो कैंसिल हो गई। आज कुछ लोगों को मुझसे मिलने आना था, जो बेचारे बौद्ध हैं, जिनके ऊपर जिनके घरों को उड़ाया गया है, जो वहां सदियों से रह रहे हैं, वो आना चाहते थे मुझे बताने के लिए कि उनकी हालत क्या है। आ नहीं सके, मैंने भी जाना था, जा नहीं सका, बंद है सब। कहीं तो कोई इसको देखने की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। फिर कहा जाता है कि आपने इंडियन सिक्योरिटी फोर्स पे इल्जाम लगाया कि वो मिले हुए हैं। देखिए, मेरे दुश्मन हर तरफ है। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह कहना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। बीजेपी को मेरे से कोई लगाव तो था नहीं, वो तो दुश्मन है। आपको लगता है कि आपके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? कर रहे हैं, करने दीजिए। फारूक अब्दुल्ला का डर नहीं है। मैं डरता सिर्फ अल्लाह से हूं, अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं।